डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया तभी तो ये पास हुआ। वो आज वो कह रहे हैं जी हमारा हम नहीं बात कर सकते, दिल्ली सरकार से बात करो। क्यों? तो डिपार्टमेंट कहाँ से आए हैं? डिपार्टमेंट कहाँ से आए हैं? डिपार्टमेंट का क्या रोल है? हम इस ठेके का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये ठेका किसी कीमत में नहीं खुलने देंगे, किसी कीमत में नहीं खुलने देंगे। नमस्कार, मेरा नाम यश असानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां हम लेकर आते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं सुभाष नगर के बेरी वाले बाग में, जहां पे निवासियों ने शराब की दुकान खोलने पर धरना दिया है। तो आइए उनसे जुड़ते हैं और उनका पक्ष लेते हैं कि अगर शराब की दुकान यहाँ खुल जाएगा तो उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। ये पूरा विवाद जो देखने को मिल रहा है, जो भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है, इसका कारण क्या है? पहले तो आप हमें ये बताइए। इसका कारण है शराब का ठेका, क्योंकि ये रेजिडेंस एरिया में है, यहाँ पे सारे मोहल्ले में रहते हैं, उसकी वजह से ये ठेका नहीं खुलना चाहिए। इस वजह से हम सारे इकट्ठे हुएंगे यहाँ पे, ठेका ना खुले और ठेके को खुलने से पहले ही हम रोक लगाना चाहते हैं। इसलिए हमारे सारे मोहल्ले वाले मिल के ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। हम ठेका खुलने भी नहीं देंगे, चाहे वो जितना मर्जी से वो कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम ठेका यहाँ खुलने नहीं देंगे। हमारे साथ सारी पड़ोस की मोहल्ले के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब हैं यहाँ पे। कहाँ पर खोला जा रहा है ठेका? बेरी वाला बाग, सुभाष नगर, मिलाप मार्केट। तो आपको कोई नोटिस वोटिस दी गई थी कि ठेका यहाँ पे खुलने जा रहा है? नहीं, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें तो अचानक वैसे ही पता लगा 2-3 दिन पहले। तो हम संडे से यहाँ पे बैठे हैं। आप संडे से यहाँ बैठे हैं? संडे से हम यहाँ पे हैं। तो अभी तक आपके जो आप विरोध कर रहे हैं, इसको कोई देखने कोई जानकार आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई सरकारी अफसर या कोई? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तक। मतलब आपका कहना है कि मंदिर जहाँ तक मेरी जानकारी है, मंदिर के बगल में ठेका की निर्माण हो रहा है? मंदिर के बगल में हो रहा है और इंस्टीट्यूट बच्चों का है उसके सामने हो रहा है। और ये सामने देखो हमारी अनंतपुर कुटिया है, अनंतपुर कुटिया का यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से ये हमारा सीधा ये मोला लास्ट में कुटिया है हमारी, तो इसको बोला जाता है सत्संग वाली गली। तो हम कैसे इसको ठेके वाली गली बोलने के लिए प्रोत्साहन करें? तो आपने पहले इसके बारे में किसी को शिकायत वगैरह की? आप डायरेक्ट विरोध करने उतरे हैं? ऐसा है जी, हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं था, वो तो यहाँ पे खोलना था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ठेका खोलने के लिए संभावना है, तो हम सारे इकट्ठे हो गए हैं कि हम ठेका नहीं खुलने देंगे। हाँ जी, मेरा नाम पंकज गुलाटी है जी, मैं इसी बेरी वाले बाग का निवासी हूँ और इन सारी मातृशक्ति बहनों की शक्ति की वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं इस पावा बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर। यहाँ एक शराब का ठेका खुलने जा रहा है, जो हमारी भावनाओं को, हमारी माताओं बहनों बेटियों की इज्जत पे खतरा है। यहाँ पे जो सुरक्षा का मुद्दा उठ जाएगा, यहाँ पे अगर आप दोपहर को आएंगे देखेंगे बच्चों के स्कूल का बस स्टैंड है, सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे, सारे मिडिल स्कूल के बच्चे यहीं पे उतरते हैं, लेडीज़ उनको छोड़ने आती हैं और पिकअप करती हैं। तो ऐसी जगह पर जब ठेका खुलेगा तो वो बच्चे जब उतरेंगे तो उनके मन में क्या विचार आएंगे, इन सब चीज़ों को देखते हुए आप देखेंगे आनंदपुर ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है। इसी गली में 125 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आनंदपुर आश्रम है, सत्संग आश्रम है। यहाँ पे इतने लोग डिवोटी आते हैं, दुर्गा मंदिर साथ में है, पीछे वहाँ पे दुर्गा माता मंदिर है 3 ब्लॉक में, जो 100 मीटर के दायरे में आता है। हमें हैरानगी हो रही है जान के कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी ये कैसे परमिशन दे दी, वो तो इनके लीगल नॉर्म्स में आता है 100 मीटर के डिस्टेंस के अंदर। एक इधर प्ले स्कूल है प्लस मिडिल स्कूल है, हैप्पी लाइफ स्कूल है, वो भी 100 मीटर के डिस्टेंस में आता है। और अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे द कैरियर मेकर, ये एक इंस्टीट्यूट है, ट्यूटर यहाँ मिताली मैम ट्यूटर है, यहाँ कम से कम 150-200 बच्चा आता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है। वो बच्चे जो पेरेंट्स अभी छोड़ने आ रहे हैं वो इतना डर रहे हैं कि हम बच्चों को कैसे ट्यूशन सेंटर भेजें, कहीं कल उनका बच्चा ट्यूशन जाने के बजाय यहाँ शराब के ठेके पे शराब लेने ना था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी सरकारी अफसर ने आपका पक्ष जानने की कोशिश की कि आपकी क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, हम हर डिपार्टमेंट में गए हैं बाय हैंड लेटर देने के लिए, हम SHO के पास गए, हम DCP दिल्ली वेस्ट के पास गए, हम SDM ऑफिस गए। SDM ऑफिस का तो मैं आपको ज़रूर कमेंट में बताना चाहूँगा, उन्होंने हमारे वहाँ पे 5 लेडीज़ 5 जेंट्स के बीच में हमसे ये सवाल किया, पहले आप बताइए आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं। ये SDM ने शब्द बोले थे कि आप पढ़े लिखे हैं तो बताइए, हमने कहा जी हाँ जी एजुकेट, कह रहे कितने एजुकेटेड हैं। मैंने कहा मतलब हम अपनी कंप्लेंट देने के आए हैं, उसके लिए हमें पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके आना है SDM से बात करने के लिए, हमारी कंप्लेंट सुनने से पहले उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं, आप दिल्ली सरकार के पास जाओ, केजरीवाल ने करा उनसे निपटो। मतलब ये एक जवाब हमें एक अफसर दे रहा है SDM। उसके बाद हमने उनकी कंप्लेंट ADM को की, उन्होंने हमारी बात तो ज़रूर सुनी कि ऐसे ऐसे मिसबिहेव किया, उन्होंने कहा जी उनके बिहाफ पे हम आपसे माफ़ी मांगते हैं लेकिन हम आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप DC MCD को करो या एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जाओ या हाई कोर्ट जाओ। मतलब बताओ एक पब्लिक अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या मतलब सिर्फ कोर्ट का रास्ता देखेगी? क्या नीचे के डिपार्टमेंट्स हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे? हम आपके मीडिया के माध्यम से ये
आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को एटलीस्ट उन सभी अफसरों तक पहुँचाएँ या ऊपर तक पहुँचाएँ कि हमारी हेल्प कौन करने आएगा यहाँ पर। जनरल पब्लिक के कोई राइट्स नहीं होते, दुकानदारों के या एक्साइज वालों के सबके राइट्स हैं, उनके नाम्स हैं। क्या हमारे को जीने का अधिकार नहीं है? क्या ये छोटे छोटे बच्चे या जो माताएं बहनें बैठी हैं, क्या इनको सुरक्षा का अधिकार नहीं है? मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। गली के बाहर आएगा, रेडी लगती है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। इसके लिए लाइसेंस है तो किसी ने तो लाइसेंस दिया ना, हर डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया तभी तो ये पास हुआ। वो आज वो कह रहे हैं जी हम नहीं बात कर सकते, दिल्ली सरकार से बात करो। क्यों? तो डिपार्टमेंट कहाँ से आए हैं? डिपार्टमेंट कहाँ से आए हैं? डिपार्टमेंट का क्या रोल है? मतलब शराब के ठेके का लाइसेंस भी अभी तक आपको दिखाया नहीं गया है? नहीं, कि हम लोग को परमिशन नहीं दिखाया गया, हमें कुछ नहीं दिखाया गया, इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। तो बाहर से खबर मिली है तो हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे, बच्चों की लाइफ को देखते हुए हमने किया जी, क्योंकि नहीं होगा, हमारा गली है, ये मोहल्ला है, जाना आना यहीं से, सब कुछ यहीं से लेना। सर रविवार से ये विरोध जारी है, बताना चाहता हूँ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर आप मूवी देखने जाएं या घर में टीवी भी देखें तो शराब पीने का कोई भी सीन आता है, नीचे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ देख लीजिए क्या हो रहा है आपके सामने। तो सब कुछ अगर इतना होते हुए भी सब कुछ यहाँ खुलने जा रहा है, जीवन से खिलवाड़ मत करिए। सामने रेजिडेंस है, बिल्कुल सामने देखिए, वो देखिए, वो रेजिडेंस है, अगर कैमरा मारे तो ये ठेका खुलेगा तो बच्चों पे। पूरी रेजिडेंस है, पूरी कॉलोनी की मार्केट यही है, हमारी लोकल मार्केट है, इसके अलावा कहीं नहीं जाते। क्या ये बच्चे खड़े हैं? ठीक है, एक हफ्ते से बच्चे हाथ में बैनर लेके खड़े हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ गली से बाहर निकलते हैं, सामने स्टेशनरी की शॉप है, खुद चले जाते हैं। दे आर मोर देन सफिशिएंट के अकेले जा सकते हैं। अब क्या हम इनको भेजेंगे बाहर? हम भेज नहीं पाएंगे जिनको बाहर, कहाँ भेजेंगे? नेसेसिटी की रेजिडेंशियल एरिया को कमर्शियली कन्वर्ट करने की पूरी ये कर रहे हैं कि इसको कमर्शियली कन्वर्ट किया जाए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल सामान ओपन हो रहा है, वाइन एंड बियर शॉप कमर्शियल होनी चाहिए, नेसेसिटी नहीं है। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए ही चाहिए, या ये डेली बेसिस के यूसेज की चीज़ नहीं है। चीज़ें हैं, स्टेशनरी की शॉप है, ट्यूशन सेंटर्स है, बेडशीट्स यहाँ मिल रही हैं, केमिस्ट की शॉप्स है, खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ पे वाइन एंड बियर शॉप की क्या ज़रूरत है? और देखिए दो दुकानों पे ठेका खुल रहा है, एक दुकान छोड़ के क्लिनिक है, देखिए आप क्लिनिक है, कैसे आएंगे लेडीज के, डेंटल क्लिनिक है, कैसे आएंगे? अब जगह देखिए, आसपास सराउंडिंग देखिए, उधर स्टेशनरी की शॉप, ये एक बिल्डिंग छोड़ के इंस्टीट्यूट है, पीछे हमारा आश्रम है, उधर मंदिर है, कैसे परमिशन दे दी हमने? तो ये सुन के औरतों को इंस्पेक्शन करने नहीं आया, 100 मीटर के दायरे में इंस्पेक्शन तो होती होगी, तभी तो लाइसेंस देते होंगे। आप अपनी पूरी प्रतिक्रिया बताइए इस विवाद को लेके, क्या ये मुद्दा है और क्या इस पे असर पड़ेगा? देखिए, हम लोगों को पता चला है कि यहाँ पे एक शराब का ठेका खुलने वाला है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि सब परिवार के साथ यहाँ पे रहते हैं, सबके बच्चे हैं, सब यहाँ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा बच्चों पे। आस पास यहाँ पे ट्यूशन है, बच्चे आते हैं, 150 बच्चे करीब आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। पास में यहाँ मेडिकल स्टोर्स भी हैं, यहाँ पे क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, तो ऐसे शराब कटेगा ऐसी जगह पे खुलना बिल्कुल भी हमारे हिसाब से जायज़ नहीं है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग विरोध में बैठे हैं यहाँ पे, और इसके लिए मतलब तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको क्या परेशानियाँ दिख रही हैं यहाँ पे ठेका खुलने के बाद? भाई डॉक्टर ने परेशानी यही है कि यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे शराब का ठेका खुलेगा तो ऑब्वियसली अच्छे लोग तो आएंगे नहीं, यहाँ पे शराब पी के पड़े रहेंगे, हमारी जो बच्चियाँ हैं घर में, बहू बेटे हैं, सब पे बुरा असर पड़ेगा। और जितनी शराब यहाँ आज जितनी अवेलेबल हो जाएगी, लेबर क्लास भी रहती है यहाँ पे, तो बीमार और होंगे ना वो लोग, शराब तो असर करता है ना, बीमारी करेगा। पढ़ाई अगर ये शराब का ठेका यहाँ खुल जाएगा तो ऐसा चीज़ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही हम रोज़ अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, इनफैक्ट यही हमारा वे है। और अगर यहीं पर ही होगा तो हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे यहीं पर ही उतरते हैं, यहीं से स्कूल जाते हैं, और इनफैक्ट सारी की सारी स्टेशनरी से लेकर ट्यूशन सेंटर तक सब यहीं पर हैं। तो एज़ पर माई ओपिनियन, और सब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि गलत है, और इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट लेडीज़ पे, बच्चों पे, इनफैक्ट सबके ऊपर बहुत ही गलत जाएगा, जो कि इस रेजिडेंशियल एरिया में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सेफ्टी से पहले हमारे बच्चों की भी सेफ्टी है, जो कि गलत है। इसीलिए हम इसके प्रोटेस्ट में फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज वी आर हेयर, एंड वी डोंट वॉन्ट कि ये चीज़ यहाँ पर ओपन हो और हमारी कोई भी सेफ्टी हैपन ना हो। कि बच्चे अब 7 साल के हो गए हैं और भी गली में बहुत बच्चे हैं, आप देखिए कितने सारे बच्चे हैं। इनके माँ बाप चाहते हैं कि इनको फ्रीली घर से बाहर स्टेशनरी की शॉप्स हैं या ग्रोसरी की शॉप्स हैं, वहाँ पर इनको भेजा जा सके इंडिपेंडेंटली। लेकिन अब हम नहीं सोचते कि हम बच्चों को अकेले यहाँ भेज सकते हैं। आप यहाँ ट्रैफिक देख सकते हैं, अभी भी कितना ट्रैफिक यहाँ पर है,
अगर ये खुल गया ठेका तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच्चों तो छोड़ो बुजुर्ग औरतों का भी जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम इस ठेके का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये ठेका किसी कीमत में नहीं खुलने देंगे, किसी कीमत में नहीं खुलने देंगे। तो अभी तक हमने यहाँ के निवासियों से जितनी भी बात की तो उन्होंने बताया कि ये जिस एरिया में ठेके खुलने का निर्माण की बात की जा रही है वहाँ पे बच्चों के स्कूल, उनकी स्कूल बस, ट्यूशन सेंटर, सत्संग व भगवान को पूजने के स्थान है। अब ऐसी जगह पे अगर शराब की दुकान खुल जाएगी तो अलग वर्ग के लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब आप भी अपनी पूरी प्रक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश सानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।